हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रियलमी C3 के लिए आ चुका है एक लेटेस्ट अपडेट। इसके अंदर कई सारे बग्स को फिक्स किया गया है और कई सारी जो प्रॉब्लम्स आपको रियलमी C3 के अंदर आ रही थी उन सभी को फिक्स कर दिया गया है और आपको यहाँ पर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं वीडियो को और बताता हूँ मैं आपको सभी सारे चेंजेस। तो यह है पूरा अपडेट लॉग। पहला चेंज आपको देखने के लिए मिल जाता है सिक्योरिटी के अंदर। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको 2020 का देखने के लिए मिल जाएगा जुलाई का, और साथ में आपको सिस्टम के अंदर चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी सर्बियन लैंग्वेज ऐड कर दी गई है। देन गाइज आपको सेटिंग्स में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। एडेड द स्विच ऑफ रोटेट द गाइड बार्स विद स्क्रीन इन नेविगेशन की। नेविगेशन की जगह साथ में आप रोटेट गाइड बार्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज फ्लाइट मोड ब्लूटूथ स्टेटस विल नॉट बी अफेक्टेड आफ्टर फ्लाइट मोड इज टर्न ऑन, यानी कि आप एरोप्लेन मोड के साथ में ब्लूटूथ का भी यूज़ कर पाएंगे तो आपका ब्लूटूथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ होने वाला है। तो गाइज आपको यहाँ पर सिस्टम के अंदर भी कुछ अपडेट देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑप्टिमाइज द स्पीड ऑफ द ऐप स्टार्टअप फ्रॉम द रिसेंट ऐप्स। रिसेंट ऐप की जो ऐप स्टार्टअप की स्पीड थी वो यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई है। देन गाइज आपको यहाँ पर ऑप्टिमाइज द स्पीड ऑफ एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, जो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते थे उनकी स्पीड को भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है। देन गाइज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है स्टेटस बार के अंदर कुछ चेंज। ऑप्टिमाइज द डिस्प्ले ऑफ बैटरी आइकन वेन चार्जिंग, जब आप बैटरी आइकन को देखते होंगे चार्जिंग के दौरान उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। और गाइज यहाँ पे आपको कैमरा के अंदर कुछ स्पीड, जो कोल्ड स्टार्ट था कैमरा का यानी कि बहुत धीरे से स्टार्ट होता था, वो भी यहाँ पे फास्ट कर दिया गया है। कॉल के अंदर जो आपके नॉन इमरजेंसी नंबर थे वो भी इमरजेंसी में शो हो रहे थे, उसको भी करेक्ट कर दिया गया है। देन गाइज आपको यहाँ पे फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक इशू दैट अनेबल टू मेक आ कॉन्फ्रेंस कॉल, जब वो आप कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं कर पा रहे थे अभी वो भी यहाँ पे अनेबल कर दी गई है, अब आप बड़ी आसानी से कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। गाइज तो पहला चेंज आपको देखने के लिए मिल जाता है सिक्योरिटी पैच का, ये आपको जुलाई का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाएगा लेटेस्ट वाला। गाइज देन सेकंड चेंज आपको देखने के लिए मिल जाता है एरोप्लेन मोड के साथ में आप ब्लूटूथ का यूज़ कर पाएंगे, तो एरोप्लेन मोड में अनेबल करता हूँ। देन मैं गाइज ब्लूटूथ को भी अनेबल कर देता हूँ, आप देख पाएंगे दोनों का ही मिक्सचर आप काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। देन गाइज आपको जो रीसेंट ऐप्स की स्टार्टिंग है वो आपकी काफ़ी फास्ट कर दी गई है, आप देख सकते हैं ये आपके रीसेंट ऐप्स हैं जो कि आपने रिसेंटली यूज़ किए हैं। तो गाइज जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ WPS ऑफिस को खोल के, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर काफ़ी जल्दी से तेज़ी से काम हो जाएंगे आपके सारे के सारे। ये मैं काइन मास्टर भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये स्टार्टअप काफ़ी अच्छा हो गया है यहाँ पर रिसेंट ऐप्स का। देन आपको सेकंड जो चेंज देखने के लिए मिल जाता है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है स्पीड ऑफ इंस्टॉलिंग ऐप्स। तो गाइज़ मैं कुछ एक ऐप्स मैंने अपने डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो उनको मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये आई मोड प्रो है, इसे मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इंस्टॉल करूँगा आप देखेंगे काफ़ी स्पीडली इंस्टॉल हो जाएगा ये आपका। तो ये चेंज भी काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हैं आप ये ओपन का साइन मेरे पास आ चुका है, काफ़ी स्पीडली इंस्टॉल हुआ है ये। देन गाइज अगला जो चेंज है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर जो बैटरी आइकन है आपका, वो आपका काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। यहाँ तो आपको देखने के लिए मिल ही जाता है बैटरी आइकन, लेकिन जब आप चार्ज लगाएंगे तो उसमें भी आपको कुछ चेंज देखने के लिए मिल जाता है, तो अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी करा रहा हूँ। देन गाइज मैं अगले चेंज की अगर आपसे बात करता हूँ तो जो आपके नॉन इमरजेंसी कॉल थे वो भी इमरजेंसी के अंदर शो हो रहे थे, वो भी एरर आपका खत्म हो गया है और आप कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर पाएंगे। तो ये सारे चेंजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको अपडेट बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर अपडेट आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस और भी मिल पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले ऐसे एक लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।